शुभ नवमी फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हैं? तो चलिए आज के नया ब्लॉग शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं अभी गार्डन में आया हूँ। एक पपीता तोड़ना है पेड़ से। ये देखो कितना पपीता हुआ है, ये देखो एक पपीता मैं तोड़ूंगी यहाँ से। तो ये देखो ताज़ा पपीता मैंने तो तोड़ लिए है, तो इसको आज सलाद बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे। तो चलो खाना का तैयारी शुरू करते हैं। तो चावल बैठा दिया है, गोभी की सब्जी बनाऊंगी। और आज तो ठाकुर दर्शन करने जाना है शाम में, तो इसलिए ससुराल जाएंगे और ससुराल से एक साथ ठाकुर दर्शन करने जाएंगे। तो चलिए आगे जाते हैं, ब्लॉग शुरू करते हैं, आप ब्लॉग में बने रहिए। ये देखो अभी तो 11 बज रहे हैं और पापा बाजार से आए हैं। पापा जीजा जी चाय पी रहा है और साथ में ये भी चाय पी रहा है, ये भी बाज़ार गए थे। और बहुत फ्रूट वगैरह, और हमारे घर में कल पूजा है इसके लिए सब तैयारी चल रहा है। ये धुतिया है और ये साड़ियाँ है, ये पूजा में लगेगा कल सुबह सुबह, तो इसको भी लाए गए हैं। इसको तो ठीक से रखना चाहिए। और फ्रिज में जो थे वो हम निकल रहे हैं, वो है गोभी, कांची करले और बैंगन, और ढेर सारे करला भी है। और यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है, दूध बैठा दिया है एक साइड में और एक साइड में चावल हो रहा है। तो चलिए खाना तैयार करते हैं फ्रेंड्स। अभी तो घड़ी में 5 बज गए हैं, शाम 5। और आप लोग जानते हैं हमारा तो जो घर है वो खूब छोटा है, ससुराल के बाद मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पर नया घर तैयार होने वाला है। तो जगह तो खरीद लिया, लेकिन उस जगह में कल पूजा होंगे, और पूजा होने के बाद नया घर शुरू होंगे, 1 महीने 1.5 महीने बाद शुरू होंगे। तो कल सुबह सुबह 8 बजे पूजा होंगे। कल तो विजयादशमी है और आज नवमी है, आज हम ठाकुर देखने जाएंगे। लेकिन आप तो जानते हैं आज मंगलवार है, आज तो हनुमान जी का पूजा है, इसलिए मम्मी तो सब तैयारी करके रख दिए हैं। और कुछ ही देर बाद पूजा होने के बाद हम ससुराल जाएंगे, वहाँ से सब लोग एक साथ मिलकर ठाकुर देखने जाएंगे आज। तो इसलिए जीव का आनंद है। वो तो अभी बंदूक लेकर व्यस्त है। कहाँ गया तुम्हारा बंदूक? हाँ, ठाकुर देखने जाएंगे, जल्दी चलो। तुम पूजा कर लो, पूजा तो सब रेडी हो गया है। हाँ, रेडी हो गया। चल, बात यह है कि जीव का पापा आज सारा दिन व्यस्त है, क्योंकि कल पूजा है। पूजा में जो लगने वाले हैं वो सब कुछ बाज़ार जाकर तैयारी कर रहा है, उसको खरीद रहा है, आपने तो सुबह सुबह देखा। और अभी मम्मी ने सब तैयारी कर दिए है, उसको रेडी करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि भाई तो अभी नहीं है, भाई तो बहुत व्यस्त है, भाई तो ठाकुर देखने में ही व्यस्त है। तो सब तो तैयारी हो गया है, भोग लगाना बाकी है, तो कौन पूजा करेंगे वो ही रेडी नहीं हुआ। ये देखो गर्मा गर्म
समोसे उसका पापा ले आए हैं। अरे छोड़ो, खा लो। ये देखो बैग तो तैयार हो रहा है, अभी साड़ियाँ लेने हैं। अभी तो 7 पार हो चुके। क्या हुआ, भाई को फोन किए थे? भाई को फोन किया है, लेकिन वो तो उनको लेकर ठाकुर देखने गए तो जाम में फंस गए टोटो, तो आने के लिए आधा घंटा लेट हो जाएगा ये बोला। तो आधा घंटा, हाँ हम लोग को बोला जो तुम लोग रेडी करके रहो, मैं लेऊंगा और चलाऊंगा। एक्चुअल बात ये है कि रास्ते में बहुत जैम चल रहे हैं और वो तो लोग को लेकर ठाकुर देखने गए हैं और बहुत भीड़ है, लेकिन हमारे कब जा हम कब जाएंगे पता नहीं है। 10 बज जाएगा, जीव तो अभी छटपटा रहे हैं, बोल रहा है मम्मी चलो मम्मी चलो, लेकिन हम जहाँ पर ठाकुर देखने जाएंगे वो बहुत दूर है। टोटो से, गाड़ी से, बाइक से जाना पड़ेगा, पैदल चल के तो नहीं जा सकते हम। और बाहर में इतना भीड़ है, इतना भीड़ है, साइड में भी पैदल चलने का फुर्सत नहीं है, चांस नहीं है कुछ। क्या कर रहा हो? तो अभी ससुराल जा रहे हैं, तो अभी घड़ी में बज गए हैं 8:30। 7 तैयार होके ठाकुर दर्शन करने चले आए, 2 टोटो में आए। ये देखो बहुत सारे लाइटिंग, और हमारा गांव से थोड़ा सा दूर है ये। घर में तो चाबी लगाकर सब लोग चले आए और बहुत गाना बज रहा है, इसलिए मैं घर पे आकर ही वॉइस दे रहा हूँ। तो ये है गेट, ये देखो अभी घड़ी में 10:30 बज गए हैं। घर कब लौटेंगे पता नहीं, चलो आगे जाते हैं। और सिर्फ ठाकुर दर्शन नहीं, वहाँ पर बहुत बड़ा मेला है, वो मेला भी देखना है। ये देखो चलो आगे। तो सुन रहा था कि यहाँ का पेंडल बहुत बढ़िया हुआ है, तो पेंडल दर्शन कीजिएगा और ठाकुर भी दर्शन कीजिएगा। 10:30 बज गई है, अभी भी लोग कम नहीं हुआ, तो चलो आगे चलते हैं। तो हम धीरे धीरे पेंडल का जो नज़दीक है वहाँ पर आ रहे हैं। चलो देखो बहुत सारी लाइटिंग, और ये है पेंडल का बाहर। देखो एक नया तरीके से पेंडल किया है, तो धीरे धीरे पेंडल का जो अंदर है वहाँ पर हम प्रवेश कर रहे हैं। चलो आगे में देखते जाओ। ये पेंडल का अंदर है,
चलो फिर मेला देखने जा रहे हैं। आप तो देख रहे हैं मेले में बहुत भीड़ है, तो चलो एक साथ मेला देखने जाते हैं। तो हम पेंडल और ठाकुर दोनों ही दोनों को ही दर्शन करके बाहर निकल गए हैं और बहुत भीड़ है, तो चलिए आगे चलते हैं। जीव तो अभी बहुत जिद कर रहा है कि उसको भी मेला देखने हैं, मेला में घूमना है। तो ये देखो उसका पापा, और वो इतना कचरा है, जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं, हम तो ठाकुर देखने आ रहे हैं और पूरा परिवार आए हैं, ये देखो। तो अभी चड़क के सामने है, चड़क में उतरेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो मेला है, तो चलो मेला देखने में जा रहे हैं। ये हर सारे दुकान है, दुकान में तो डॉल ख़रीदने के लिए जीव का भाई रो रहा है, तो एक डॉल भी मुझे ढूंढना चाहिए। ये देखो फ्रेंड्स आज के लिए तो यहाँ तक, कल मिलेंगे।